बहुत ही दुख और पीड़ा के साथ आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी घटिया राजनीति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, भगवान बजरंग बली का, माता सीता का खुलेआम पूरे देश में अपमान करवा रहे हैं। और इस अपमान के भागीदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान बजरंग बली, जिसका नाम लेते ही हर हिंदू का सर झुक जाता है, जिसका नाम लेते ही आदर भाव से हर हिंदू का सर नतमस्तक हो जाता है, ऐसे भगवान श्री राम का, माता सीता का, भगवान बजरंग बली का अपमान एक फिल्म बनवाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और फिर से एक बार साबित किया बीजेपी वालों ने कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और सड़क छाप लोगों की पार्टी है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए, इन लोगों के आशीर्वाद से एक फिल्म बनी है आदि पुरुष। यह किसके आशीर्वाद से बनी है? यह बनी है योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, यह बनी है शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से, एकनाथ शिंदे जी के आशीर्वाद से, देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से, मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से, हेमंत विश्व शर्मा जी के आशीर्वाद से, पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से, नरोत्तम मिश्रा जी के आशीर्वाद से। इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और तमाम इसके नेताओं ने भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान इस फिल्म के माध्यम से करवाया है। पूरे हिंदू समाज से, पूरे हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। और इस फिल्म के डायलॉग आप पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी। ये फिल्म का डायलॉग है, सुनिए। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया? जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। ये डायलॉग है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे बनी फिल्म का। ये डायलॉग है, ये डायलॉग है। ऐसी फिल्म को इतने सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री मान्यता दे रहे हैं? ऐसे हिंदू धर्म के अपमान को, देवी देवताओं के अपमान को भारतीय जनता पार्टी के लोग मोहर लगा के, सीना तान के मान्यता दे रहे हैं? पूरे देश से जेपी नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा के इन तमाम नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। हिंदू धर्म की भावना को आहत करने का काम किया और फिर से एक बार साबित किया है बीजेपी ने कि दरअसल वो लुच्चे लफंगों की पार्टी है और धर्म में भी लुच्चई और लफंगई की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम इस फिल्म के माध्यम से कर रहे हैं। एक सीन इस फिल्म में दिखाई गई, कह रहे हैं वो सीन कल्पना के आधार पर है। तुम कल्पना के आधार पर देवी देवताओं के बारे में कुछ भी दिखा सकते हो? तुम कल्पना के आधार पर भगवान श्री राम के बारे में, माता सीता के बारे में कुछ भी दिखा सकते हो? तो तुम कल्पना के आधार पे हमारे पवित्र रामायण को, रामचरितमानस को भी बदल सकते हो? कल्पना के आधार पे इस फिल्म में एक सीन दिखाया गया कल्पना के आधार पे कि माता सीता को छुरी लगा दी गई। अब आप बताइए, इसको कोई हिंदू बर्दाश्त कर सकता है?
मैं तो बीजेपी के समर्थकों से भी कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर जागिए और पहचानिए कैसे लोगों के पीछे आप लोग चलते हैं। ये लोग न राम के हैं, न आम के हैं, न किसी काम के हैं।